हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस रेडी वेडी हो गए हैं, लेकिन फीवर है, जाने का दिल तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा। बुखार फिर हो गया है, रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया है, लेकिन क्या करें, ऑफिस तो जाना ही पड़ता है क्योंकि बिना के उपाय नहीं है, तो मुझे जाना ही पड़ जाता है हर हाल में भी। तो गाइस अभी थोड़ा सा नाश्ता करके दवा खाते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। ये नाश्ते में ओट्स आ चुका है, अब इसको करते हैं नाश्ता फिर चलते हैं। अभी मेडिकल स्टोर से दवा ढूंढा जा रहा है, चारों तरफ दवा ही दवा है, अब इसमें से दवा ढूंढा जा रहा है, फिर दवा खा करके फिर चलेंगे। तो गाइस दवा आ चुका है, दवा खा लेते हुए ठीक नहीं लग रहा है, अब जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा दवा खा के थोड़ा आराम कर लेते हैं, फीवर जब कम हो जाएगा तब यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो रास्ता में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस अभी सो के उठ गए हैं, तभी तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा फीवर कम हो गया है, अब चलते हैं थोड़ा सा ऑफिस जाते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, बस थोड़ा सा काम वाम करके जल्दी आ जाएंगे। तो गाइस चलें। पेट्रोल भरवा रहे हैं, थोड़ा सा पेट्रोल ले लिया जाए, फिर चलते हैं गाड़ी में। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डल रहा है, पेट्रोल लगवा के भाई। अभी हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर, दिल्ली के हनुमान मंदिर में। जैसा कि आज जाते हैं, आज हनुमान जयंती है, बहुत ही तगड़ा क्राउड है, भाई हैं हनुमान जयंती के अवसर पर प्रसाद वितरण करते हुए, ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हुआ पड़ा है और एकदम बहुत ही तगड़ा भीड़ है, बहुत ही तगड़ा क्राउड है। जय श्री राम। श्री राम के नारे में दिल्ली गूंज रही है, जैसा कि देख रहे हैं, जय जय श्री राम। सारे लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं हनुमान मंदिर में, और बहुत ही लंबी लाइन है, घूम घूम के आगे तक ये लाइन पूरा करके फिर दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। भाई जब चला जाए, क्योंकि अब मेरे
हमारी वजह से रोड ब्लॉक हो रहा है और मेरी बाइक इधर खड़ी है। हनुमान जन्म उत्सव का बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामना है। तो गाइस अब यहाँ से चलते हैं, काफी टाइम हो गया तो इधर से निकला जाए, गाइस फिर से चला जाए। जाने का तो मन नहीं करता कि यहाँ से जाए, थोड़ी देर और रुकना लेकिन जाना पड़ेगा। बहुत ही लंबी लाइन, लंबी भीड़। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गाइस इधर से गुजर रहे थे, इधर रास्ते में है फ्रेंड का घर, तो चलते हैं थोड़ा सा उनसे भी मिलते हुए चलते हैं, क्योंकि थोड़ा रास्ते में पड़ रहा है, इधर से मात्र पास में ही है तो फिर पता लगेगा तो कहेंगे क्या है नहीं। तो भाई चलते हैं थोड़ा उधर से मिल लेते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं ऊपर। ओ गाइस तो पहुंचने वाले हैं, देखिए मैडम जी सर्विस इंतजार कर रहे हैं। ओ माय गॉड, खुश रहे, ये साहिल सेठ हैं, इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, ये कभी ब्लॉग में नहीं आए हैं। मैडम जी को तो पहचानते ही आप लोग, ये अक्सर छाई रहती हैं ब्लॉग में। तो गाइस अब यहाँ से मिल चुके हैं ये मैडम जी साहिल, तो अब गाइस चला जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारी बातें इधर उधर की हो गई हैं, तो अब चला जाए घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 10 बज चुका है, घर ही उल्टा है, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। तो ओके चलते हैं अब। तो गाइस अभी आ चुके हैं घर, माय गॉड भाई सब भी आ गए हैं और इशू लगा रही है ताला, अब मोटे मोटे ताला लगा रही है, बड़े बड़े सिक्कट। ये देखिए हेलमेट पहन के रेडी है आरुष, माय गॉड गाइस आ चुके हैं, अब चला जाए ऊपर। ये लो आरुष रंजन, माय गॉड आ चुके हैं फाइनली घर। और क्या हाल है आपका? फाइन फाइन। ओ माय गॉड गाइस पहुंच चुके हैं घर, अब थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा चेंज किया जाए। ये देखिए गाइस आ चुके हैं डुगू सेठ, ओ माय गॉड क्या हाल है। यहाँ से यहाँ करता है, पढ़ने बैठते हैं पूरे दिन, इसके पेंसिल अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पेंसिल नहा तो लेता हूँ ना, ये वाला नहीं तो मुझे वही कर। मुन्नी बदनाम हुई दाढ़ी दे रही है मुझे पेट हिलने वाला। फिर कोई ब्लॉग बना, फिर कोई चैलेंजिंग करते हैं, तैयारी करो आज नहीं आज नहीं एक दिन में। अरे तो गाइस घर पहुंच चुके हैं, आप लोगों को पता ही है, अब तो आ जाए कपड़ा वपड़ा खोले, खाना पीना खाएं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, दवा भी खाना है, दवा खा के फिर सोएंगे। तो गाइस फिर कल मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के बाय, गुड नाइट।